भारत फ्रांस के रिश्ते कितने मजबूत हुए हैं ये तो पूरी दुनिया ने 26 जनवरी को ही देख लिया, लेकिन अब रक्षा के क्षेत्र में ये रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दरअसल फ्रांस भारत के बीच राफेल और स्कॉर्पियन पनडुब्बी पर बड़ी डील हो गई। पीएम मोदी और मैक्रोन ने दोनों देशों में डिफेंस इंडस्ट्री सेक्टर में साझेदारी बढ़ाने पर अपनी सहमति जता दी है, जिसे लेकर एक रोड मैप भी तैयार किया गया है। और इस बीच बड़ा धमाका तब हुआ जब खबर सामने आई, दोनों नेताओं ने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन और उसके पुर्जों को भारत में ही बनाने के लिए हुए समझौते पर खुशी जताई। दोनों नेताओं ने इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस का भी मुआयना किया और तो और भारत में राफेल फाइटर जेट के इंजनों के लिए सेफ्रॉन कंपनी की तरफ से रखरखाव, मरम्मत और इसके ऑपरेशन की फैसिलिटीज तैयार करने के लिए हुए समझौते का भी स्वागत किया। इसके अलावा सेफ्रॉन कंपनी IMRH हेलीकॉप्टर इंजन बनाने के लिए भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के बीच ज्वाइंट वेंचर करेगी, तो वहीं फ्रांस की कंपनी एयरबस और टाटा ने मिलकर हेलीकॉप्टर बनाने का समझौता किया है। एयरबस कंपनी और टाटा समूह की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड देश का पहला प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाने जा रहा, इस बात की घोषणा खुद एयरबस ने की। यहां पर फाइनल असेंबली लाइन यानी FAL बनाया जाएगा। इस लाइन में एयरबस से सबसे प्रसिद्ध H125 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। ये समझौता ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत और फ्रांस की दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया में है। ये जो समझौता हुआ उसके मुताबिक ये आम नागरिक हेलीकॉप्टर्स हैं जो यहाँ बनेंगे और दूसरे देशों में निर्यात किए जाएंगे। ये भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत मुहिम के लिए बड़ा कदम होगा। इससे देश को कई तरह से फायदा होगा। भारत में इस हेलीकॉप्टर में प्रमुख हिस्सों को जोड़ा जाएगा, एवियोनिक्स एंड मिशन सिस्टम लगाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल हार्नेस इंस्टॉलेशन होंगे, हाइड्रोलिक सर्किट लगाए जाएंगे, फ्लाइट कंट्रोल लगेंगे, डायनेमिक कंपोनेंट लगेंगे, फ्यूल सिस्टम और इंजन बनेगा। इस हेलीकॉप्टर में 6 लोग बैठ सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर को यूरोकॉप्टर भी बुलाते हैं। इसमें 2 वेरिएंट है, इसे एक ही पायलट उड़ा सकता है। 35.10 फीट लंबे इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 10.4 फीट है। अधिकतम टेक ऑफ वजन 2250 किलोग्राम है। ये एक सिंगल इंजन बनाने वाला हेलीकॉप्टर है। इसके रोटर का व्यास 35.1 फीट है। ये 245 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूज स्पीड से उड़ान भरता है। अधिकतम 287 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। एक बार 662 किलोमीटर तक उड़ान भरने की रेंज है। अधिकतम 15,100 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। खैर, भारत फ्रांस के बीच रिश्ते और भी मजबूत होने जा रहे। देखना तो ये होगा कि राफेल और स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट दौड़ेगा तो भारत रक्षा क्षेत्र में और आगे कितनी तरक्की करता है और क्या रक्षा क्षेत्र में भारत का डंका अब पूरे जोरों शोरों से दुनिया में बजेगा। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।